हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे 4 अगस्त से सुराज यात्रा पर निकलने वाली हैं। इसके लिए एक विशेष बस तैयार की गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस बस का अवलोकन किया। बताया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से इस बस को विशेष तौर पर तैयार करवाया गया है। राजस्थान में लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार बनाने और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए श्रीमती वसुंधरा राजे की सुराज गौरव यात्रा आगामी 4 अगस्त से शुरू होने जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने बताया कि उदयपुर संभाग के विश्वविख्यात मंदिर चार भुजा नाथ से यात्रा का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हरी झंडी दिखाकर करेंगे। शुभारंभ पर होने वाली सभा में करीब 2 लाख लोगों को एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री की यह यात्रा पूरी तरह भाजपा संगठन की होगी। उदयपुर संभाग के बाद भरतपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और जयपुर संभाग में भी यात्रा गुजरेगी। यात्रा का समापन अजमेर संभाग में होगा। उम्मीद है कि समापन पुष्कर तीर्थ में बड़ी सभा के रूप में होगा। इस सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग लेने की उम्मीद है। बुधवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सुराज गौरव यात्रा के लिए आधुनिक साधनों से सुसज्जित वातानुकूलित बस का अवलोकन किया। बस के अंदर मंच भी बनाया गया है। यात्रा के दौरान कई स्थानों पर मुख्यमंत्री बस के मंच से ही सभा को संबोधित करेंगी। बुधवार को इस बस को सीएम राजे के जयपुर स्थित सरकारी आवास पर लाया गया। सीएम ने मंच पर चढ़कर बस का गहनता के साथ अवलोकन किया। बस में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि यात्रा के समय सीएम को कोई परेशानी न हो। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।